हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। आज है बच्चों की और हस्बैंड जी की छुट्टी, तो आज बनेगा मेरे हस्बैंड का फेवरेट लंच कॉम्बो, जिसको मैं भी बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो चलिए उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में मैंने ले लिए हैं 1 गिलास नाप के बासमती राइस। अब बासमती राइस से बनाऊंगी आज मैं बहुत ही टेस्टी पुलाव। तो राइस को पहले अच्छे से 3-4 वॉश मैंने धो लिया है और पानी को रख के इसमें मैंने रेस्ट पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सोया चंक्स, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं एक ऐसी चीज बनाना पसंद करती हूँ संडे के दिन, जिसमें सबकी फरमाइश पूरी हो सके। तो सोया चंक्स मैंने ले लिया है, साथ ही इसमें मैं डालूंगी गर्म पानी, जिससे ये सोक हो जाएं जल्दी से, झटपट से, और काफी सॉफ्ट भी रहेंगे। तो इनको भी रख देते हैं साइड में। चलिए अब और तैयारी कर लेते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं वेज पुलाव विद टमाटो रसम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जियां ली हैं ढेर सारी। तो सबसे पहले मैं प्याज को छील ले रही हूँ, फिर इसके बाद डालूंगी इसमें मैं लहसुन, ढेर सारा लहसुन मैं यूज करती हूँ वेज पुलाव के लिए। तो ये लहसुन ले लिया है, लहसुन चार से अगर मैंने 7 से 8 लिए हैं कलियां, लेकिन आजकल की ये लहसुन पता नहीं इतनी पतली पतली सी आती है, इनकी कलियां छीनने में बहुत टाइम चला जाता है। तो ये लहसुन हो चुकी है हमारी, साथ ही मैं यहाँ पे गाजर डालूंगी। अगर बच्चों को सब्जियां भरी भरी सी दिखती है ना, तो वो कोई भी चीज खा लेते हैं। तो ये गाजर हो गई है, साथ ही यहाँ पे मैं 2 आलू भी डालूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली आलू बहुत पसंद है वेज पुलाव में। तो ये मैंने डाल दिए हैं 2 आलू, इनको छील के करा साइड। और यहाँ पे मैंने ले ली है ये फ्रांस बीन। तो आप पुलाव में किसी भी रेसिपी में यूज करें ना, तो बहुत अच्छी भी लगती है, आलू के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोभी ले ली है, गोभी इतनी महंगी है तो मैं एक छोटा सा फूल ही लेके आती हूँ, ताकि वो किसी न किसी रेसिपी में यूज हो जाए। अब यहाँ पे ये शिमला मिर्च मैंने एक पूरी ले ली है। तो शिमला मिर्च एक ऐसी रेसिपी है जो मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं, सब्जियों को अच्छे से मैंने धो लिया है। और ये 3 टमाटरों को मैं अलग निकालूंगी, क्योंकि ये पुलाव में नहीं जाएगा, इससे बन रहा है हस्बैंड के लंच के स्पेशल मेन्यू में जो ऐड रहता है ना टमाटो रसम, वो बनेगा। तो अब ये मैंने इसको प्लस का निशान लगा के नीचे से अच्छे से इसमें डाल दिया है फ्राई पैन में। और ये लाल मिर्च डाल दी है सूखी, और इसमें डाल दिया है गर्म पानी। इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे हम सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू काट लिया है, साथ ही उसको प्लेट में मैं असेंबल भी करती जा रही हूँ। फिर यहाँ पे शिमला मिर्च, इसको मैंने मोटा मोटा ही रखा है, क्योंकि ये बनने के बाद तो दिखती नहीं है कभी कभी। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इंग्लिश कैरेट। तो इंग्लिश कैरेट को ज्यादा नहीं, बस आपको मीडियम मीडियम ही कट करके रखना है। फिर यहाँ पे फ्रेंच बीन को मैंने थोड़ा सा आधा आधा इंच के टुकड़ों में कट करा है, ताकि इसकी खाने में बाइट है। और गोभी के जो जो बड़े बड़े से फूल थे, उसको मैंने थोड़ा सा मीडियम रख दिया है। यहाँ पे 5 हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली है लेकिन इससे स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पे लहसुन जो मैंने छीला था ना, उसको मैं चाकू की हेल्प से अच्छे से टैप टैप कर दूंगी, फिर इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लूंगी। साथ ही प्याज को यहाँ पे मैं स्लाइस कट में कट करूंगी, लेकिन ज्यादा बारीक नहीं, इसके हमें थोड़े से पार्ट चाहिए हमारे पुलाव में। तो ये प्याज और लहसुन हो गया है, साथ ही मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसको भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक खड़ा खड़ा सा रख लूंगी, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है पुलाव में। तो ये सब्जियां तैयार हो गई हैं कट के। अब यहाँ पे हमारे टमाटर और ये लाल मिर्च भी बॉयल हो गई है, इसकी स्किन मैंने पील कर ली है। और ये है हमारे सोया चंक्स, तो ये भी फूल गए हैं, इसको आप पानी निकाल के अलग रखेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़े से खड़े मसाले निकाल के अलग से रख रही हूँ। तो 4 मैंने हरी इलायची ली है, 3-4 मैंने लौंग ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, और यहाँ पे एक स्टार अनीस ले लिया है, और साथ में एक बड़ी इलायची ली है। साथ ही मैं थोड़ी सी डालूंगी जावित्री, जावित्री से बहुत अच्छा खुशबू आता है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा, गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें रखूंगी मैं एक ये मेरा प्रेशर कुकर, ये स्टील वाला है, जिसमें पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है हमेशा। तो राइस देखिए अच्छे से हमारे हो गए हैं सोक, इनका पानी निकाल के मैं अलग रख दूंगी। अब प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और 2 छोटे चम्मच डाला है मैंने देसी घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं खड़े मसाले, जैसे ही घी और ऑयल गर्म हो जाए, खड़े मसालों को आप थोड़ी देर के लिए बस हल्के हल्के से सौते कर दीजिए, जिससे इसका फ्लेवर एनहेंस हो सके। फिर इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन और अदरक, इसमें मैं जीरे का यूज नहीं करूंगी, ना ही हींग का यूज करूंगी। तो ये हमारे अदरक और लहसुन डल गए हैं। अब इसको भी हम बस खाली 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हो सके तो आप आधे मिनट ही इसे फ्राई करें। फिर इसमें डाल दें प्याज,
प्याज को भी हमें ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसकी बस कच्ची स्मेल चली जाए उतना ही हमें इसे सौते करना है। तो मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको चलाया है जिससे ये हल्के हल्के से ट्रांसल्यूशन हो गए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे वेजी, शिमला मिर्च को छोड़ के मैं सारी सब्जियां ऐड करूंगी और उसको 2 मिनट के लिए सौते करूंगी, क्योंकि ये जो बहुत हार्ड सब्जियां होती हैं उसको फ्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो सके और अच्छा सा क्रंच ला सके हमारे वेज पुलाव में। तो 1-2 मिनट मैंने अच्छे से इसको फ्राई करा, फिर इसमें डाल दिया शिमला मिर्च और शिमला मिर्च के साथ मैंने इसको 1 मिनट और चला लिया और हमारी वेजीज देखिए कितना अच्छा लुक और कलर आया है अभी से ही। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं हमारे ये सोया चंक्स के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सोया छोटे वाले चंक्स हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो खासकर ये बहुत पसंद आते हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी है हमारे सोक करे हुए राइस की, तो राइस को भी इसमें मैं डाल दूंगी। वैसे मेरे हस्बैंड को बासमती राइस इतने पसंद नहीं है, तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और आधी चम्मच ही डालेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च। आप कभी भी पुलाव में देगी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का यूज ना करें, नहीं तो पुलाव जो है ना वो आपके ब्राइट कलर के ना बनके ना डार्क कलर का बनता है। तो ये आप ध्यान रखें कि पुलाव में हमेशा कुटी हुई लाल मिर्च डालें अगर आपको डालना है तो। अब देखिए जिस गिलास में मैंने नाप के चावल लिए थे ना उसका 1.5 गिलास मैं पानी ले रही हूँ। तो देखिए मेंशन भी होता है आपके पैक के पीछे जो बासमती राइस होता है कि कितना पानी ओपन क्लोज और पॉट के लिए, तो वो आप उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके भी बना सकते हैं, पानी का आपको अंदाजा आ जाएगा। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है, साथ ही डाल दिया है यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू का रस। इसमें मैंने नींबू क्यों डाला, जिससे कि हमारे जो ये पुलाव है ना वेज पुलाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी और खिले खिले बने। फाइनली इन्हें मैंने मिक्स कर दिया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे, सीटी लगाएंगे और 2 विसल इसे हाई एंड मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे। तब तक हम तैयारी करेंगे हमारी टमाटो रसम की, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत 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 पसंद है। तो मैंने लाल मिर्च, टमाटर को 2 भाग में कट करके और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ये धनिया की डंडियां ले ली हैं। नमक डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर, ज्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा खड़ा जीरा और इसको बिल्कुल महीन ब्लेंड कर लूंगी। अब यहाँ पे हमारे प्रेशर कुकर की पहली हाई पे और ये दूसरी मीडियम पे आ गई है सीटी। इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे वाले चूल्हे में, वो मैंने ऑन नहीं करा है। अब यहाँ पे गैस ऑन करी है, इसमें रखा है फ्राई पैन। अब हम बनाएंगे टोमेटो रसम। तो जैसे ही फ्राई पैन गर्म होगा इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना देसी घी और जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच जितना हींग और अच्छे से इसको चला लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ये टमाटर और हरी डंडिया धनिया की उसका पेस्ट और ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जार साफ कर लिया है और इसको बनने में मात्र आपके लगेंगे 8 मिनट। इसको अच्छे से मैंने चलाया और फुल फ्लेम पे इसमें बॉईल लाई। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक टेस्ट करा तो थोड़ा सा कम था, तो मैंने 1/4 चम्मच जितना डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा ही मैंने डाला है धनिया पाउडर और इसे चलाएंगे। और जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉईल फिर आएगा इसे हम रख देंगे ढक के और 5 मिनट इसे रखेंगे। और 5 मिनट के बाद ये बहुत टेस्टी सी टमाटो रसम पसंदीदा मेरे हस्बैंड की, तो ये बनके तैयार है। आप इसे प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट देने के लिए राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे सकते हैं। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। मैंने जब इसको खाया था तो यकीन नहीं मानेंगे इतना टेस्टी लगा था मुझे, नहीं तो मैं इसको हमेशा अवॉइड करती थी। मैं तो रायता ही पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। पुलाव की देखिए अच्छे से सीटी ठंडी हो गई है, वेज पुलाव है, बनके रेडी हो गए हैं। आपको मैं बता दूं फ्रेंड, ये कैमरे की वजह से आपको पुलाव ना इस तरीके से दिख रहे हैं, नहीं तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और सुपर कलर आया। अब यहाँ पे सर्विंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि हस्बैंड और बच्चों को दे दिया है और बच्चों को मैंने दिया है पुलाव के साथ बूंदी का रायता, क्योंकि बच्चों को ये तीखा तीखा पसंद नहीं आएगा। तो ये टमाटो रसम मैंने सर्व किया, साथ ही हमारे बहुत ही टेस्टी टेस्टी पुलाव मैंने कर लिए है सर्व। और साथ में मैं इसके थोड़ा सा प्याज खाना पसंद करती हूँ, अचार खाना पसंद करती हूँ, तो 2 हरी मिर्च भी रख ली हैं। कटकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पे 2 मैंने रख लिए है। मेरे घर का आम का अचार, देसी आम का अचार और यहाँ पे प्याज ले ली है। और अब मैं इसको कर रही हूँ फाइनली टेस्ट, क्योंकि ये मेरा भी अब फेवरेट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे एक बार खाया था बस खाली 1-2 बाइट, लेकिन आज मैं इसे पूरा खाऊंगी। तो ये मैं टेस्ट कर रही हूँ, रियली बहुत ही ऑसम टेस्टी
ये कॉम्बिनेशन आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, बाय बाय।